Christmas is suddenly just around the corner, and I am in the process of putting together lots of cute little festive things for the coming weeks, all based around the theme black and white with the touch of sustainable things. For me, this time of year is about slowing down and enjoying family time, watching Christmas movies and of course Santa's food. Well, this is probably the last makeover of this year, so let's get start the process. तो चलिए आज की मेकओवर एक कुकीज से शुरू करते हैं. ये टाइम तो कुकीज़ की ही टाइम है, चॉकलेट्स की टाइम है. तो जो है ये मैंने एक बियर बॉटल्स कुछ ले लिए हैं, दो तीन ले लिए हैं, और यहाँ पे कुछ चेरीज़ को पेस्ट कर रहे हैं. चेरी में जब लगाते हैं हम, बहुत ही ये क्रिसमस एक इफ़ेक्ट देते हैं. इस मेकओवर के लिए मैंने कई सारे डेकोरेशन एंड DIYs किए हैं जो कि इस चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं, मैं नीचे लिंक भी दे दूँगी. तो ये कुछ इस तरीके से तैयार हुए हैं, और जब इसके अंदर हम फेरी लाइट डालेंगे तो बहुत ही एक फेस्टिव मूड ये क्रिएट करेंगे. तो चलिए अभी बारी है जो लास्ट मेकओवर मैंने किया था, जो कि काफ़ी ट्रेडिशनल था, उसे थोड़ी रिमूव करने की. सो ये कॉर्नर भी मैं थोड़ी सी रिमूव कर रही हूँ, और यहाँ पे एक रस्टिक सस्टेनेबल एक कॉर्नर मैं क्रिएट करूँगी. लास्ट टाइम मेरी क्रिसमस की थीम कुछ वाइट एंड रेड में थी, तो इस बार रेड को मैं ऐसे पॉपअप कलर रखूँगी, बट द बेसिक थीम विल बी ब्लैक एंड वाइट. तो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, तो चलिए देखते हैं. विंटर में लेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए मैंने ऑलरेडी एक थ्रो तो ऐड किया ही है वाइट वाला, और उसके ऊपर और एक थ्रो हमने ऐड किया है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है विंटर में. इसको और के मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग है. और जैसे कि मैंने कहा था कि ये वाइट ही होने वाला है मेकओवर, और उसके साथ रेड मैंने पॉपअप कलर की जैसे यूज़ किया है. सो अभी बारी है सेंटर टेबल की. तो यहाँ पे मैंने ऐसे वुडन एक प्लैंक ऐसे इस तरीके से लगाया है, और वेज दिया है बेसिकली एक, और उसको मैंने कैंडल स्टैंड की तरह यूज़ किया है. ये वेज आपने पहले भी देखा है, मैंने इसे कलर कर दिया है वाइट एंड एक ग्रीनिश टिंच में. और यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइड फ्लावर्स इस तरीके से ऐड किए हैं, जो कि विंटर में जो वाइब होता है, विंटर वाइब बहुत अच्छे से क्रिएट करता है. अभी मैं आ गई हूँ चेस्ट ऑफ ड्रायर के सामने, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले मैंने एक टेराकोटा कॉर्नर मैंने क्रिएट किया था, बट यहाँ पे भी मैं क्रिएट करूँगी एक टेराकोटा कॉर्नर. तो चलिए देखते रहिए. तो ये पर्टिकुलर एरिया मेरी चेस्ट ऑफ ड्रायर है, जहाँ पे मैंने एक रनर दिया है जो कि ग्रे एंड वाइट में है, और ये मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है. और ये एक टाइल्स आप देख रहे हैं, ये मेरी किचन बैकस्प्लैश में यूज़ हो रही है मेरे नए घर में. तो आप देख सकते हैं कैसे है, ये ज़रूर बताइए मुझे. और यहाँ पे मैं ये टाइल्स एक्चुअली एक ट्रे की जैसे यूज़ करूँगी, और टेराकोटे की जो भी एलिमेंट्स थे मेरे पास मैं वहीं ऐड कर रही हूँ. अब टेराकोटे की जग में ये मैंने एक आर्टिफिशियल प्लांट ऐड किया है, और ये जो पर्टिकुलर और एक टेराकोटा पॉट थी इसको मैंने एक टाइप कलर कर दिया है, बेसिकली एक कोट कलर करके फिर मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर दिया सूखने से पहले ही, तो ये लुक आया है. और इसके बीच मैं कुछ इस तरीके की जस्ट ऐसे वुड जो परे रहते हैं, जो ब्रांचेस परे रहते हैं रोड साइड में, वही मैंने ऐड कर दी है. लैम्प ऐड कर दी है, और उसके साथ एक्स्ट्रा जो मैं ऐड कर रही हूँ ये कैंडल जो भी मैंने घर पे बनाए थे, ये भी एक DIY है.
सो देखिए मेरी टेराकोटा कॉर्नर तैयार है, और यहाँ पे ये जो लगाया है ये भी आपने देखा है। और अब बारी है जो लो ग्राइंडिंग टेबल है, वहाँ पे ये बॉटल को रख रही हूँ मैं, और इसके अंदर मैंने फेरी लाइट ऐड कर दिया है, और जो वाइट वाली राउंड टेबल है वहाँ पे कुछ इस तरीके से सजाया है मैंने, मेनली वाइट है एंड एज अ पॉपअप कलर मैंने रेड लगाया है। और ये शू रैक है, शू रैक भी कहीं कुछ इस तरीके से सजा रही हूँ मैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। सो आप देख सकते हैं ये जूट जो बॉक्स मैंने लिया था उसमें मैं सारे लास्ट मेकओवर के जितने भी चीज़ें मैंने यूज़ किया था उनमें से कहीं सारे चीज़ें इसके अंदर रख रही हूँ। तो ये एक मेथड है कि आप जब भी कोई मेकओवर करे या कोई घर को सजाए, एक साथ सारे चीज़ की डिस्प्ले नहीं कीजिए तो वो अच्छा नहीं लगता है। और देखिए ये जूट बॉक्स कितने काम की है कि आप इसे एज अ डेकोरेटिव पीस भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर मेरे जो एक्स्ट्रा डेकोर आइटम्स हैं उन्हें मैंने संभाल के रख दिया है कि वो मैं बाद में फिर से यूज़ करूँगी। अभी डाइनिंग टेबल में मैंने एक टेबल क्लॉथ लगाया है, और ये टू टायर ट्रे को ऐड किया है, और जूट मैट को भी ऐड कर दिया है। ये टू टायर ट्रे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है क्योंकि बहुत ही स्पेस सेविंग है और बहुत ही काम की चीज़ है। आप कितने सारे चीज़ यहाँ पे रख सकते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत कुछ रखी हूँ यहाँ पे, काम की चीज़ भी है, डेकोरेटिव पीस भी है, तो और स्पेस भी बहुत कम लेता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं अपनी क्रिसमस ट्री को अरेंज करने वाली हूँ, तो ऐसे पॉट में आप कर सकते हैं, अगर आपके क्रिसमस ट्री छोटे हैं तो ऐसे जूट पॉट में ज़रूर कीजिए, और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरा जो जितना भी करना था मेकओवर मैंने कर लिया है, अभी चलिए फिर देखते हैं फाइनल रिवील।
सो गाइज, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज की वीडियो? वीडियो अगर कोई भी रीज़न से अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कौन सी एरिया आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलूंगी और एक डेकोर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।